इस कॉलोनी में मेरे को 35 साल के करीब हो गए जी। हाँ 35 साल के करीब। ये आज तोड़े गए हैं जी, आज तोड़े गए हैं जी। बस जी ये तो भागा दौड़ करके 2-4 दिन मिले हैं, नहीं तो सिर्फ एक ही दिन का टाइम दिया गया था। हाँ 19 को नोटिस लगे थे और 21 को तोड़ने के लिए आगे थे, वो तो फिर भागा दौड़ करके और SDM से मिलकर ये दो चार दिन का टाइम मिला है आज तक का। हाँ और नहीं तो कोई टाइम नहीं था। 21 तारीख को कहने लगे थे, सारे घूम लिए हम, हर एक नेता के पास घूम लिए, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं हुई। आखिर में जी हमारे ये घर टूट ही गए। 4 बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है, हम कहाँ लेकर के बनाए जाएंगे। ना हमारा कोई साधन है, घर बेच करके बाहर बिहार से यहाँ मनाई, कमा कमा करके करी, हम की करूँ, कहाँ जाऊँ। हम माला बेच बेच करके बच्चा के नीमक रोटी खिया कर पाली, हम कहाँ जाऊँ। पड़वा भी साथ साथ भर रहे, हमें मुआवजे के लिए बोला गया था, हमें मुआवजा भी नहीं दिया। अगर मुआवजा दे देते तो हम खुद ही खाली कर देते, खुद ही खाली कर देते, हमें कोई जबरदस्ती नहीं सरकार से। और हमारे बच्चे छोटी मोटी वीडियो बनाते हैं तो उनको पुलिस वाला डंडा मारता है और फोन भी छीन लिया है जी। बताओ हम क्या करें, इससे अच्छा तो हम यही बिल्डोजर के नीचे दबा दे तो मर जाएंगे, तो हम देख तो नहीं पाएंगे। हम कहाँ रोटी बनाए अब, हम बताओ देखो, हम कहाँ रोटी बनाएंगे, कहाँ खाएंगे और कहाँ अपने सामान को घेरेंगे। रात बारिश आ जाए तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताओ। ये देखो हमारा, हमको इब्बी भी इतनी रिक्वेस्ट है कि हमको मुआवजा दिलवा दीजिए, कितने जगह दिलवा दीजिए, हम कति हाथ जोड़ के चले जाएंगे। कुछ भी नहीं कहा जी, हमने तो प्लाट खरीदे, पैसे एक दिहाड़ी कर खरीदे, मेरा आदमी भी नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कहाँ लेके जाऊंगी उन्हें। हमें सरकार जगह दे दो, अपना मलबा ठा के ले जाए, अपना बना तो लेंगे। ये भाई हमारे घर टूट गए, हम कहाँ जाएं, बच्चों ने कहाँ सुलाएंगे, लाइट भी नहीं है, कहाँ कहाँ ना कहाँ मरे हम जाके, नहीं बताओ अब क्या होगा हमारा। हम लोगों के साथ में आज जो है सो पुलिस वाले आए सारा और ज़बरदस्ती सामान वामान फेंका और हम लोगों को तोड़ा भी और सामान और जो है सो घर का जो भी सामान था वो कर दिया और सारा जो है सो तोड़ तार के और साइड बाहर निकाल दिया सब लोग। हम लोग बीवी बच्चे वाले, हमारी बीवी खुद प्रेगनेंट है, 7वें 8वें महीने में है, वहाँ भी वो भी रो भी लख रही है। बेटा भी हमारा 7-8 साल का, वो भी रो भी लख रहा है रोड पर। और जहाँ भी थे वहाँ पर हमारे पड़ोस में हमारे मामा जी लगेंगे सूर्य नारायण जी, जिनका मर गए वो अभी, और वो भी उन्होंने भी कुछ मिट्टी तेल डाल लिया पुलिस सारे पुलिस वाले के सामने में। और पुलिस वाले वहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पे है महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल बरवाला लाल बत्ती से, वहाँ 5 से 10 मिनट लगता है पहुँचने में, जबकि इनको 35 से 40 मिनट में पहुँचाया गया वहाँ पर। न वहाँ पर कोई फर्स्ट एड वाली थी, न कोई जब प्रोटेक्शन था ही नहीं, ना एम्बुलेंस थी, ना कोई फर्स्ट एड का कोई सुविधा था। जब ऐसा घटना होता है तो फिर वहाँ पे कुछ था ही नहीं, ना हमारी सुनवाई होता, हम के दुख रहो जी, हम तड़ क्या करो। हमने एक हफ्ता हो लिया, कभी इधर कभी उधर, कभी मनमोहन के पास, कभी केजरीवाल के पास, आज गडकरी के पास गए, जा तुम्हारा काम हो गया, आए तुम्हारे घर गिरे पाए दिया, हमारी जिंदगी भर की कमाई और आज हम रोड पर बैठा दिया, हमारा सामान रोड पर पड़ा है, भीख मांगन तो मजबूर है। कोणा था कुतुबगढ़ नितिन गडकरी, उससे भी मिल लिए, हंसराज हंस से मिल लिए, अपने आसपास के जितने विधायक थे सबके हाथ पैर रोक झीक लिए, जिस मानस हमने कभी नहीं देखा था हमने उसके भी हाथ पैर जोड़ लिए। कोई भी सब न्यू कह दे करेंगे जी, कोशिश करेंगे, या कोशिश करी है, या रंग लाई उनकी कोशिश, या कोशिश रंग लाई उनकी। ये बात मोदी जी को भी इन्फॉर्म किया गया था PMO ऑफिस में, मोदी जी के पर्सनल मेल पे जाता है, मेल करते हैं जब, तो 3 दिन के बाद रिप्लाई आता है कि मेल रिफंड, मेल पहुंचा नहीं। ऑफिस वाले पे भी और उनके पर्सनल मेल पे भी, और मोदी जी प्रचार कर रहे हैं कि डायरेक्ट जनता से मैं जुड़ रहा हूं। कैसे जुड़ रहा हूं आप, अब ये बताइए। तो वे सौरभ भैया थे ना, आए बहुत ही सारे फौजी आए थे, तो सौरभ भैया बोल रहे थे ना, तो सौरभ भैया को, सौरभ भैया पे हाथ उठाया पुलिस ने, हाँ घर का कैमरा ले रखा था। और तो ना फिर पापा गुस्सा आया तो तेल डाल दिए, और मम्मी और पापा को पुलिस ले गए, और फिर उनको गए नहीं ना, नहीं ले जा रहे थे ना, तो ना उनको घसीट के ले गए थे। और जानी, और एक बार
टम्पू के पास दो चार झापड़ मारे थे उनको कसकस। और फिर उसके बाद मम्मी तो हॉस्पिटल में, पापा एक या दो घंटा हॉस्पिटल या आसपास में ही हॉस्पिटल था, तो बड़ी वहाँ पे नहीं जा रहे थे, तो एक घंटा में उनको हॉस्पिटल पहुँचाया था पापा। राज मतलब घर टूटने का नोटिस परसों आया था कि कल तक घर खाली करना, पर हमारे घर पे टूटने तोड़ने के लिए आया था क्रेन। पापा ने बोला था सिर्फ इतना कि हमें घर खाली करने के लिए मोहलत दे दो एक दिन का, वो नहीं दिया था, उल्टा हमारे से हाथापाई कर रहे थे, हाथ भी उठाया था मेरी मम्मी पापा पे, और ना ही मेरे को मेरे मम्मी पापा का मुंह देखने दिया, ना ही मुझे अंदर घुसने दिया। हमसे हमको मतलब मोबाइल वाइल सब तोड़ दिया कि किसी को फ़ोन ना कर सके, ना किसी को बुलाए, और हम लोग को भी मतलब वहाँ से भगा दिया मार के, और मेरा घर भी तोड़ दिया सर, मेरे पापा भी छीन लिए मुझसे।